हाय, कैसे बच्चों आप लोग? बढ़िया, उम्मीद है। अभी लग नहीं रहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से इतनी जल्दी हम लोग बचने वाले हैं। फाइट तो कर ही रहे हम लोग, और ये वायरस से आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल रही होंगी। ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास है नहीं कि आपको प्रोवाइड कराए, क्योंकि दिन भर मौका मिल जाए तो बस यही है मेरा लाइफ, इसी में ख़त्म रहता है। तो आप लोगों को अगर जानकारी मिलता तो फिर बताइए कुछ अगर है। और खैर, जिन लोगों ने भी अभी तक इस पर नहीं आए हैं, नए आए हैं और लेक्चर अगर कंटिन्यू नहीं किया है तो उनको बोलिए कंटिन्यू करें। रीज़न ये है कि आप समझ रहे होंगे कि ये डेट हो सकता है कि बढ़ भी जाए, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ पर बढ़ भी जाए, तो आप लोग अभी जुड़े रहिए इससे, ठीक है। जो लोग भी अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन के हैं या अगर नहीं जुड़े हुए तो आप उनको प्रोवाइड कीजिए कि आप जुड़िए, है ना। तो हम जानते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है कि कहाँ से मोबाइल लेता है, आपको मजबूरी है, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। और एक तो सबसे पहले बात, मैंने मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू देना है क्योंकि आपने पहले वीडियो को 1K पार कर दिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और 1K पार कर दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत सब आप लोगों का प्यार है, ठीक है, इस तरह बनाए रखिए। और चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने काम पर। आज हम लोगों को एग्जैक्टली में क्या है कि कल कुछ ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया था और आपने देखा भी होगा वो लेक्चर नॉलेज मीटर वाला हमने कुछ लगा दिया था। तो नॉलेज मीटर वाला कल हम लेक्चर ज़्यादा होने बड़ा होने के कारण हम उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हमें केवल एप्लीकेशन पढ़ना है और रिफ्लेक्स स्पीड पढ़ना है, ये दो चीज़ें यानी हम लोग को पढ़ना है और हमारे चैप्टर के बाद खत्म, फिर हम आप आएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो अभी हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 है, डेट 21/3/2020, आपको पता होगा। जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा वो 4 लेक्चर जाकर पीछे कर देख लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम जो हमको आज पढ़ना है, और टोरेसियल थ्योरम ये भी हमको आज पढ़ना है, ठीक है ना। टोरेसियल थ्योरम भी हमको आज पढ़ना है और बर्नौलिस थ्योरम का एप्लीकेशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एरोफॉइल लिफ्ट पढ़ना, फिर हम लोग पढ़ेंगे एटमॉइजर या स्प्रेयर, स्प्रे नहीं करता है ये, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी, तो खैर खास कर चल रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो सैनिटाइजर वगैरह है या फिर जो छिड़काव हो रहा है, अब देखते हैं तो बड़ा सा डब्बा होता है उसमें से एक पंप की तरह होता है, तो वो क्या करता है, वो भी किस किसके साथ हुआ है, वो भी बर्नौलिस प्रिंसिपल के साथ वो काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है मर्क्यूरी मीटर, इस पर हम लोगों ने कल देखा भी था, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या होता है मर्क्यूरी मीटर। और एक है ब्लोइंग ऑफ रूफ इन अ विंड स्टॉर्म, तो कैसे हवा में टूट जाता है छप्पर, ठीक है। या अगर सारी बातें करते हैं, सारा प्रैक्टिकल लाइफ है, पूरा एप्लीकेशन है। तो चलिए हम लोग यहाँ सवाल करते हैं पहले के बारे में जो है एरोफॉइल लिफ्ट। अब एरोफॉइल लिफ्ट क्या है, आपने अगर एरोप्लेन पे कभी चढ़ा होगा, चले हो कितने लोग एरोप्लेन पे चले, झूठ, हाँ चलो ठीक है, हाँ समझ गए समझ गए। एरोप्लेन कितने लोग बात है, हाथ उठाता अपना वाला, खिलौना वाला की बात नहीं करें, रियल वाला, ठीक है ना। तो अभी सब कुछ बदल जाना मैंने, ठीक है ना, कहीं गैर मालूम चला बस खत्म हो जाए कहा, इसलिए घर में और बाइक में पूरा लॉक हो जाता है। तो देखिए एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर है देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा पिक्चर वाला बनाने का ज्यादा आइडिया है, ठीक है, कुछ ज्यादा बन गया है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो हवा है इसका जो शेप होता है एरोडायनामिक शेप, आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन भी होता है वो भी कुछ इस तरह से होता है, एरोप्लेन का अगर आपने देखा होगा ये कुछ इस तरह से होता है, अभी हमने उतना अच्छा तो बनाया नहीं है पर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो इस तरह से एरोप्लेन के फ्लाइट्स होते हैं, देखिए यार इस तरह से पायलट होते हैं, आपको वेल मशीन लग रहा होगा पर आपको भी बनाना पड़ेगा याद रखिए, ठीक है। तो इस एरोप्लेन के एरोडायनामिक्स में क्या होता है, इसको समझिएगा, जब कोई हवा आती है इस तरह से तो होता क्या है, इस वाले केस में एरोप्लेन कैसे मूव कर रहा है आपको बताऊंगा आगे। तो होता क्या हुआ कि ऊपर वाले की हवा की स्पीड, मतलब इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस वाली चीज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ऊपर जो हवा की स्पीड है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी हाई, ऊपर की वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको हाई, ठीक है, ऊपर की जो वेलोसिटी आपको हाई मिलेगी और नीचे की वेलोसिटी लो मिलेगी। अब एक बात, जब ऊपर की वेलोसिटी हाई मिला तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा,
कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और आपको अभी मैंने बोला था पिछले वाले क्लास के लेक्चर में बर्नौलीज प्रिंसिपल में कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पक्की बात है प्रेशर एनर्जी कम होगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तीनों का जोड़ कांस्टेंट होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल के आधार पर। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट सीधा है इसीलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल को हटा देते हैं, कितना बच जाएगा? काइनेटिक बच जाएगा और प्रेशर बच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यदि मैक्सिमम है तो पक्की बात है वहां का प्रेशर क्या होगा? लो होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा होगा लो प्रेशर, कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। और चूंकि यहां की वेलोसिटी लो है तो यहां का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लो होगा। तो यहां का प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई। तो ये हाई प्रेशर, अब ऊपर का प्रेशर लो, नीचे का प्रेशर हाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या है? अधिक है, नीचे वाले की वेलोसिटी कम है। तो ये जो हाई प्रेशर है वो नीचे से इसको पुश कर रहा है और ऊपर का प्रेशर लो है। एक बार बताइए, नीचे का प्रेशर हाई, ऊपर का प्रेशर लो, जिसके कारण क्या होता है? नीचे से ये एरोप्लेन जब ये रनवे पर चलता है लेकिन धीरे धीरे ये वाला पार्ट उठना चालू कर देगा, कहता है बिल्कुल ये उठना चालू कर देगा, तब तक वो क्या हो जाएगा? टेक ऑफ हो जाएगा, मतलब कि वो उड़ना चालू कर देगा, फ्लाइट मोड में आ जाएगा। तो आपने इसे क्या देखा कि इस तरह का शेप इसलिए बनाया जाता है, स्पेशल शेप इसलिए बनाया जाता है ताकि इस शेप के कारण ऊपर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे ऊपर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। तो कौन सी एनर्जी घट गई? प्रेशर एनर्जी। और नीचे का प्रेशर क्या होता है? जस का दस रहता है, ऊपर घट जाएगी नीचे का दस का दस। तो नीचे वाला प्रेशर हाई होता है उसको क्या करता है? उठा देता है। इसीलिए देखिएगा एरोप्लेन को थोड़ा सा स्पीड भी दिया जाता है ताकि वो नीचे वाला हवा की स्पीड बढ़ जाए और सबसे आगे वाले पार्ट में नीचे वाला जो पार्ट है उसको वो क्या करे? उठा दे। इसकी वजह से ये क्या होता है? उठना चालू होता है। तो इसी खास तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोफॉइल। ये तो क्या बोलेंगे? एन एरोफॉइल इज शेप, मतलब एक तरह का शेप होता है सो दैट एयर फ्लो फास्टर। वो एयर फ्लो क्या करता है? फास्टर करता है, एयर फ्लो फास्टर अलोंग द टॉप सर्फेस। कौन से सर्फेस पर? देखनी ना टॉप सर्फेस पर इसका एयर का फ्लो क्या है? फास्ट। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। किसके तुलना में? लोअर वन के तुलना में। यही क्या है हमारा एरोफॉइल लिफ्ट। तो एरोप्लेन में जो इस्तेमाल होता है वो यही वाला ट्रिक इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, आइए हम इसकी वीडियो से जानने की कोशिश करते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कि एरोप्लेन कैसे वर्क करता है। इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज आप थोड़ा नोटिस कर लीजिए, डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है? कौन सा लिफ्ट? डायनेमिक लिफ्ट। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो उठा है किसकी वजह से ऊपर उठा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या ऊपर आया? तो क्या बोलेंगे? द प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइडेड ए नेट अपवर्ड फोर्स। प्रेशर डिफरेंस की वजह से नेट अपवर्ड फोर्स किधर की ओर है? ऊपर की ओर। तो वो क्या होगा? उठ जाएगा। उठना को बोलते हैं लिफ्ट। इसी तरह के लिफ्टिंग को हम लोग कौन सा लिफ्टिंग बोलते हैं? डायनेमिक लिफ्ट। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो कोई चीज कहां उठता है? ऊपर की ओर। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो कोई चीज कहां उठता है? ऊपर की ओर। इसी तरह के लिफ्टिंग को, उठना को लिफ्टिंग बोलते हैं। कौन सा लिफ्टिंग बोलेंगे? डायनेमिक। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करेंगे, नोट एक बार कर लीजिए, अब तब हम लोग चलेंगे वीडियो लेक्चर पे और देखेंगे कि एरोप्लेन आखिर उड़ता कैसे है। तो आज हम लोग वीडियो में देखते हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। तो आप लोग वीडियो में देखिए। आज के आधुनिक हवाई जहाज का वजन 600 टन से भी ज्यादा होने के बावजूद यह बिना किसी समस्या के आसमान में उड़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इतना भारी हवाई जहाज जमीन से ऊपर उठकर हवा में इतनी आसानी से उड़ता है। जब एक प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तब उस पर चार फोर्सेस लग रहे होते हैं। यह फोर्सेस हैं हवाई जहाज का वेट। हवाई जहाज का वेट एक फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ लगता है। यदि इस फोर्स को ऊपर की तरफ लग रहे समान और विपरीत फोर्स से संतुलित नहीं किया जाए तो प्लेन नीचे गिर जाएगा। यह फोर्स हवाई जहाज के विंग्स के द्वारा पैदा किया जाता है और इसे लिफ्ट कहते हैं। ड्रैग, प्लेन के आगे बढ़ने की गति को हवा रेजिस्ट करती है और इस रेजिस्टेंस फोर्स को ड्रैग कहते हैं। ट्रैक पर काबू पाने के लिए हवाई जहाज प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके एक फोर्स पैदा करता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट हवाई जहाज को आगे की दिशा में चलाए रखता है।
यहाँ पर थ्रस्ट विंग के नीचे लगे टर्बाइन इंजन के द्वारा पैदा किया जाता है, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काम करता है। यह हवा को बहुत फोर्स के साथ पीछे की ओर धकेलता है, जिसके रिएक्शन में हवा इंजन को आगे की ओर धकेलती है। टर्बाइन इंजन के आगे लगा पंखा ठंडी हवा को अंदर खींचता है। इसमें से ज़्यादातर हवा इंजन से डायरेक्टली बाहर धकेल दी जाती है, जिसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है। कुछ हवा एक दूसरे पंखे में जाती है, जिसे कंप्रेसर कहा जाता है। कंप्रेसर हवा को लगातार कम होते हुए वॉल्यूम में धकेल कर कंप्रेस कर देता है। कंप्रेसर के बाद हवा कंबशन चैम्बर में जाती है, जहां हवा में फ्यूल मिलाकर जलाया जाता है। तेजी से बाहर जाती हुई एग्जॉस्ट गैसेस टर्बाइन ब्लेड से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण ब्लेड्स घूमते हैं। यह टर्बाइन एक शाफ्ट के जरिए कंप्रेसर और आगे में लगे हुए फैन से जुड़ा होता है और इन्हें घुमाता है। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने से पहले नोजल से गुजरती हैं, जहां गैसेस पीछे की तरफ एक्सीलरेट होती हैं, जिससे इंजन पर आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है। लिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी जाती हैं। हालांकि लिफ्ट एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और अक्सर इसे सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। लिफ्ट का एक गलत एक्सप्लेनेशन, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करके दिया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एयरफॉइल का शेप कुछ इस प्रकार होता है कि इसका ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से ज़्यादा लंबा होता है, जिसके कारण एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे के मुकाबले ऊपर वाले सरफेस पर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ताकि वह एक साथ ट्रेलिंग एज पर मिल सकें। चूंकि विंग्स के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा दूरी तय करनी है, इसलिए इन्हें विंग्स के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करनी पड़ती है। बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक अगर पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो फ्लूइड की एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बीच बंटी होती है और फ्लो के दौरान कॉन्स्टेंट रहती है। इसलिए ऊपर हवा तेज़ी से बहने के कारण प्रेशर कम होगा, ताकि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहे। इसलिए प्रेशर में अंतर होने के कारण लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। हालांकि यह थ्योरी सुनने में सही लगती है, पर फिर भी इसमें कुछ गलतियां हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं, इसलिए यह पिछले किनारे पर दोबारा नहीं मिलते। और यह असम्पशन कि मॉलिक्यूल्स पिछले किनारे पर दोबारा मिलते हैं, गलत है। चूंकि ऊपर वाले सरफेस पर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस थ्योरी से जितनी लिफ्ट का अनुमान लगाया जाता है, वह एक्चुअल लिफ्ट से काफ़ी कम होती है। इसके अलावा एयर फॉइल का ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से ज़्यादा लंबा हो, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। सिमेट्रिकल एयर फॉइल डिज़ाइन करना भी पूरी तरह संभव है। उदाहरण के लिए पेपर प्लेन के विंग्स फ्लैट होने के बावजूद भी यह हवा में उड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिमेट्रिकल विंग्स को भी यदि एक एंगल पर रखा जाए, तो हवा ऊपर वाले सरफेस पर रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से बहती है। इसलिए एंगल ऑफ अटैक विंग्स के शेप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह थ्योरी बहाव को नीचे मोड़ने के बारे में भी कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंग्स पर पास होने के दौरान हवा की आने वाली वेलोसिटी और जाने वाली वेलोसिटी बराबर हैं, और इसलिए हवा में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। इसलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक एयर मॉलिक्यूल्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और इसलिए एयर मॉलिक्यूल्स विंग्स पर कोई रिएक्शन फोर्स भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई लिफ्ट भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि यह न्यूटन्स लॉ का वायलेशन होगा। अगर थ्योरी की इन गलतियों पर ध्यान दिया जाए, तो बर्नौली थ्योरम लिफ्ट को सही से एक्सप्लेन करता है। लिफ्ट को एक दूसरे तरीके से न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करके भी एक्सप्लेन किया जा सकता है।
विंग्स पर पास होने के बाद हवा सीधे ट्रेवल नहीं करती है बल्कि यह नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज करने का एकमात्र तरीका है कि उस पर फोर्स लगाया जाए। इसलिए हवा की इस वेलोसिटी में बदलाव लाने के लिए यह ज़रूरी है कि एयर फॉयल हवा पर फोर्स लगाए। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हवा को भी एयर फॉयल पर ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाना होगा और यही रिएक्शन फोर्स लिफ्ट है जो प्लेन को हवा में उठाए रहता है। हवा को केवल एयर फॉयल का नीचे वाला सरफेस ही नहीं बल्कि ज़्यादातर हवा को तो एयर फॉयल का ऊपर वाला सरफेस नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि दोनों ही सरफेस हवा को नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करते हैं, ज़्यादा हवा डिफ्लेक्ट होती है और इसलिए ज़्यादा लिफ्ट भी पैदा होती है। हालांकि यह थ्योरी सही है पर विंग हवा को कैसे नीचे मोड़ देता है इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। यह केवल इतना ही कहती है कि चूंकि हवा नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए एयरप्लेन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगना ही चाहिए। बर्नौली और न्यूटन दोनों ही एक्सप्लेनेशन लिफ्ट के सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन हैं। कोई चीज़ कैसे लिफ्ट पैदा करती है इसका वास्तविक विवरण बहुत ही जटिल होता है जिसे आसान नहीं बनाया जा सकता। किसी एयरफॉयल के लिफ्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एयरफॉयल के शेप और फ्लो कंडीशन के अनुसार इक्वेशंस सॉल्व करने होते हैं। आमतौर पर यह कैलकुलेशन इतने बड़े होते हैं कि इन्हें कंप्यूटर पर ही सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे डायनेमिक लिफ्ट के बारे में, है ना। तो डायनेमिक लिफ्ट के बाद एक चीज क्या देखा गया, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ये क्या मैग्नस इफेक्ट बताते हैं कि अगर कोई एयर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, तो पता है ये क्या होता है, आपको पता है कि प्रेशर का डिफरेंस आने लगेगा। तो ये क्या होगा ना, राउंड राउंड बहुत बहुत घूमना चालू करेगा। तो जब कोई सॉलिड के ऊपर, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड के ऊपर आ जाता है, किसी एयर के ऊपर आ जाता है, तो वो क्या होगा, गोल गोल घूमना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमना चालू करता है उसको हम लोग कौन से इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। आप डायनेमिक लिफ्ट, जो डायनेमिक लिफ्ट होता है, डायनेमिक लिफ्ट क्या आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से वस्तु का होता है ऊपर उठेगा, प्लस पे क्या करेगा, स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब होता है घूम रहे, स्पिन बॉल, उसको क्या बोलते हैं, घूम रहा है। इट्स कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट करेगा वो, मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो जब कोई एरोडायनेमिक लिफ्ट में जब कोई प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब वस्तु ऊपर उठता है और वो गोल गोल घूमना चालू कर देता है, तो उसी इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। अब सवाल आता है कि ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब कि बहना, ठीक है, ऑफ कॉल रूफ, रूफ क्या होता है, हुआ बह जाता है, उड़ जाता है, ठीक है ना। विंड स्ट्रोम मतलब कि जब आंधी आता है उस समय, इसके पीछे एक कहानी को मैंने समझी, फिर इसकी डेफिनेशन तो है नहीं, मतलब वही बात होता है, लिखेंगे जो समझा ना उसको हिंदी को, इतना इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, एक घर बनाते हैं प्यारा सा घर, पर यूनिट वॉल्यूम सभी क्या है, कांस्टेंट। एक बात बताइए,
आपने इस एनर्जी को बढ़ा दिया तो पक्की बात है ये एनर्जी घट जाएगा, पक्का घट जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू, बर्नौली इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो गया, बोलेंगे प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर। अब आपने जो अपने घर को बंद कर दिया, ठीक है, क्या किया आपने अपने घर को बंद कर दिया, तो जैसे ही आपने अपने घर को बंद किया तो उस समय जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने अपने घर को बंद किया तो उस समय क्या हुआ, अंदर का तो जो हवा था वो रुका रह गया, क्योंकि बाहर से आपका खिड़की या दरवाजा खुला होता तो बाहर का हवा अंदर ही प्रवेश करता, तो जो स्पीड बाहर रहता वो स्पीड घर के अंदर रहता, लेकिन आपने तो घर को बंद कर दिया तो अब अंदर का हवा क्या हुआ रुक गया, तो अंदर का हवा रुक गया मतलब उस जगह की एनर्जी कम हवा का, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा अधिक होगा, क्यों, क्योंकि अंदर का हवा रुका हुआ है तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या है कम है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा अधिक होगा, और जब यहाँ का प्रेशर अधिक होगा तो ऊपर का प्रेशर कम नीचे का प्रेशर अधिक, जो प्रेशर है कभी इतना ज्यादा हो जाए कि छप्पर को फाड़ के प्रेशर कहाँ निकलना चाहेगा बाहर की ओर, समझ में आया कहाँ निकलेगा बाहर की ओर, तो हम लोग पता क्या कहते हैं कि रे आंधी है दरवाजा बंद कर ले, क्या है छप्पर उड़ जाएगा दरअसल, अगर तुम घर का दरवाजा बंद करोगे तो और अंदर प्रेशर का ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की काइनेटिक एनर्जी हवा का हाई है तो प्रेशर क्या है कम, और नीचे के अंदर वाले रूम को बंद कर लिए तो अंदर का प्रेशर क्या है ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर का प्रेशर कम नीचे का ज्यादा, इसीलिए ये जो है वो फाड़ के निकलता है। पर हम लोग पता है क्या समझते हैं कि ऊपर वाला हवा है ना तुम्हारा टीला उड़ जाएगा, ऊपर वाला हवा की वजह से अगर तुम्हारा टीला उड़ जाएगा तो ज्यादा नहीं बल्कि नीचे धस जाता है, घसता नहीं है बल्कि नीचे से जो प्रेशर निकलता है पूरा फाड़ के निकलता है, इसीलिए भगवान कहता है कि जो जल्दी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, ठीक है ना, ये फाड़ करके निकल जाता है, समझ में आ रहा है। तो आज के बाद अगर आंधी आए तो घर बंद मत करना, तो सर जी घर बंद नहीं करेंगे, अब अगर तुम टीना के पलपलवा घर बनाओगे तो उड़ा के ले जाएगा अंदर से पूरा उड़ा के ले जाएगा, तो थोड़ा सा घर अच्छा हो तो थोड़ा सा खोल के रखना, और अगर छत का कोई बात है तो प्रेशर नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप समझ में आया तो आप एक मिसकंसेप्शन को दूर कीजिए कि जब आंधी आता है तो ऊपर की हवा की वजह से उठता है कि नीचे के प्रेशर की वजह से, तो नीचे की प्रेशर की वजह से, ठीक है बाबू, तो समझ में आएगा। इसी बात को मैंने यहां लिखवाया कि एवं द रूप ऑफ ए हाउस इट कॉज ए लोअरिंग ऑफ प्रेशर, मतलब ऊपर का प्रेशर लो है और द रूफ प्रेशर बिलो द रूफ, मतलब रूफ के नीचे वाला जो प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू डायनेमिक लिफ्ट, हाँ अब एटमोस्फेरिक प्रेशर है किसका डायनेमिक लिफ्ट की वजह से, तो ऊपर का प्रेशर कम नीचे का प्रेशर ज्यादा डायनेमिक लिफ्ट होगा ना, अब डायनेमिक लिफ्ट की वजह से क्या होगा ब्लोइंग, मतलब आपका जो छत है वो क्या होता है बहने लगता है, ठीक है आपको देख रहा है, तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, ये रहा आपका वीडियो देखिए तो इसको ध्यान से, ठीक है देखिए। अब चलिए अब बात करते हैं वेंचुरीमीटर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे वेंचुरीमीटर। अरे यार कल ही इसमें सवाल दिए थे और सवाल तो इसके भी दिए थे नीट वाले, सवाल बता कि नहीं बना जाता है, यही सवाल था है ना, यही सवाल था जो आपको दिए थे, हमने कल बोला था कल दो मिनट कल से निपट लीजिए, आज हम लोग थ्योरी से निपट लेंगे, वीडियो भी देख लिया छप्पर उड़ा दिया। अब बात करते हैं वेंचुरीमीटर, इसको भी हम लोगों ने बना लिया है वेंचुरीमीटर, नहीं समझ में आया क्या, फोटो देखिए कुछ याद आया, यही याद आया कि यह एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं किसको स्पीड को, किसके स्पीड के लिक्विड के स्पीड को, लेकिन वो लिक्विड कौन से फ्लो में होना चाहिए स्ट्रीटली, मतलब एक समान फ्लो होना चाहिए किसमें पाइप में, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कैसे और वेंचुरीमीटर, ठीक है ना, तो ये हमारा था अभी का, ठीक है इसको एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग, you
हाँ तो ये जो टॉपिक है डोरेसिस थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम में एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने जेई मेन से क्वेश्चन खंगाला, इसमें हमको तीन चार न्यूमेरिकल मतलब इसी टॉपिक से तो समझ में आया कि ये न्यूमेरिकल बर्नौलीज थ्योरम का भी इस्तेमाल करता है, वो भी सिखाता है आपको और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा पीछे भी लेके चलता है, ठीक है। ये थ्योरम क्या है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, अभी इसको नहीं पहले इसको देखो, पहले समझेंगे फिर आएंगे। तो देखिए हम ये क्या करते हैं, एक ड्रम लेते हैं, ठीक है, एक ड्रम लेते हैं, एक ड्रम हमने लिया है और क्या किया है इस ड्रम में एच हाइट तक, कितना हाइट इसमें एच हाइट तक हमने इसमें लिक्विड पैक कर दिया, ये लिक्विड पैक कर रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग का काम है पर देखते रहो, ध्यान से देख रहे हैं तोता निकलेगा, निकला क्या, क्या बात करते हैं सर लोग खूब समझ के रखे, अरे हम क्या तुम्हारे घर के लोग खुद समझते, पूछो एक बार तुम क्या है, तो क्या है याद रखिए, तो क्या है कि ये एच है, अब हमने क्या देखा कि इसको थोड़ा सा ऐसा ओपन कर दिया, इतना हमने नैरो होल किया है कि इसका हाइट इसको इफेक्ट नहीं करा, बहुत ही पतला होल है पर पढ़ाने और समझाने के लिए मैंने इसको देखा, तो यहां से एक बात बताइए, यहां से लिक्विड की निकल रही है कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, और आपको यही वेलोसिटी निकालना है कि किस वेलोसिटी से लिक्विड क्या होगा बाहर निकलेगा, ठीक है, तो हम इसको वी क्यू मान लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात, ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा बिल्कुल, कितना पी ए एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ओपन है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, और ये जो है यहाँ पर, ठीक है, इस जल की वेलोसिटी कितनी होगी, इस जल की वेलोसिटी जीरो, इस जल की वेलोसिटी नहीं है पर इस जल की वेलोसिटी है, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा पी ए, क्योंकि ये भी खुला है, इस तरफ से ये भी खुला था तो बाहर गिर रहा पानी और इस तरफ से ये भी खुला है, ठीक है। तो अब हम इसको सब इसको वन पॉइंट मान लेते हैं, इसको 2.5 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल एनर्जी निकालेंगे लिक्विड का पहले पॉइंट और टोटल एनर्जी निकालेंगे लिक्विड का सेकंड पॉइंट, और बर्नौलीज थ्योरम यही तो कहता है कि टोटल एनर्जी बराबर इनिशियल बराबर फाइनल, दोनों को बराबर कर देंगे, तो पहले निकालते हैं टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट, तो आप एक देखिए प्रेशर बराबर, तो आपको पता है प्रेशर बराबर पी ए लिए हुए, ठीक, और अभी देखिए रो जी एच जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो हुआ रो भी है जी भी है और हाइट कितनी है एच भी है, किस जगह की हाइट, अच्छा और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ रो भी का स्क्वायर, सब कल बताए हुए हैं, ठीक है, बस ही नहीं चलेगा, एक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैसे आया तो कल वाले के लेक्चर में देख लीजिए, ठीक है। अब देखो हाफ तो है रो भी है पर पहले पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है जीरो, यहां क्या करते हैं जीरो का, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, प्रेशर एनर्जी रो जी एच प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर, ये सब क्या मिलेगा आपको शुरुआती का एट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए लिख सकते हैं पी ए प्लस रो जी एच, लेकिन यहाँ का तो जीरो है, यहाँ का क्या है जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये पहले पॉइंट क्या निकालिए, सिमिलरली क्या लिखेंगे टोटल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट बाबू सेकेंड पॉइंट, सुनिए बाबू सुनिए कौन सा पॉइंट पर है सेकेंड पॉइंट, जरा देखिएगा पहले पॉइंट का प्रेशर तो पी ए तो है ही, ठीक है, अच्छा नोटिस करो रो जी एच, ध्यान से देखिएगा सेकेंड वाले पर रो तो है जी तो है लेकिन सेकेंड वाले पॉइंट का एच कितना है जीरो, एकदम बॉटम लाइन में है और ये बहुत छोटा वाला है इसका तो क्या मान सकते हो जीरो, हाइट क्या मिल गया जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो था लेकिन यहाँ हाइट जीरो है लेकिन यहाँ की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो इसका मान कितना हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ रो भी का स्क्वायर, और यहाँ का तो भी है ही उसको लिखेंगे भी टू का स्क्वायर, तो भी टू को सीधा भी भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी का स्क्वायर क्या पता, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कौन सा एनर्जी बाबू
टोटल एनर्जी, कौन सा एनर्जी? टोटल एनर्जी। मतलब देखिए टोटल एनर्जी क्या हो, टोटल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट हुआ? सेकेंड। देखिए तो क्या लिखेंगे, प्रेशर एनर्जी प्लस कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल, तो खैर रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है सेकेंड पॉइंट का, अभी निकाले हैं तीनों को अलग निकाल कर तब जोड़ रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, हाफ रो बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस हाफ रो बी का स्क्वायर। और आपको पता है फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल शुरू हुआ यहाँ पर, क्या लिखेंगे फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम या प्रिंसिपल थ्योरम। ठीक है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो देखो हुआ ए प्लस लोजी है, जितना पहले पर होता है आखिरी पर होगा बॉटम पॉइंट पे होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे पी ए प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर, पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते रो जी एच बराबर हाफ रो बी का स्क्वायर, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मटेरियल डेंसिटी दोनों का सेम है, मतलब मीडियम भी सेम है, तो आप यहाँ पे यहाँ पे लिक्विड दोनों का सेम है, तो इसलिए क्या होगा कैंसिल हो गया, टू को इधर भेज दे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा टू जी एच, तो बी बराबर क्या होगा टू जी टू जी एच, क्या बोलेंगे टू जी एच। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इस पॉइंट का कितना वेलोसिटी आ गया टू जी एच। देखो क्या हुआ, बर्नौलीज के आने से 100 साल पहले, कब 100 साल पहले, ठीक है ना, ये भाई साहब आए और इन्होंने ये सब कैलकुलेटर पर ले दे दिया, लेकिन उस भाई साहब ने यहाँ पर तीनों एनर्जी पर ध्यान नहीं लगाया, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन करके दे दिया था, आगे फॉरवर्ड थ्योरी को नहीं किया था। तो उस थ्योरी के हिसाब से हम लोग वेलोसिटी आसानी से कहाँ का निकाल सकते हैं, बॉटम पॉइंट का, कि अगर कोई लिक्विड टैंक से भरा हुआ है और नीचे अगर तुम लिक्विड कर दोगे तो किस स्पीड से वो लिक्विड क्या होगा बाहर निकलेगा, किस स्पीड से वो लिक्विड क्या होगा बाहर निकलेगा। आपके बच्चे में से बहुत क्यों होंगे, प्लास्टिक में अगरबत्ती वाला प्लास्टिक होता है उस पर पानी भर लेता है और हल्का सा मारो तो पानी निकलना चालू हो जाता है, नीचे मारिएगा तो ऐसे निकलेगा, ऊपर मारिएगा तो थोड़ा ऐसे जगह गिरेगा, तो कितना स्पीड से कौन से जगह पर मारने पर पानी निकलेगा वो कौन से थोड़ा जगह चल जाएगा जी, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा। तो आप एक काम करिए वापस से समझते हैं क्या कहते हैं, दिस थ्योरम स्टेट दैट, ये थ्योरम कहता है इफ द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द होल एंड अपर लिक्विड सरफेस, मतलब कि जो होल है ये और ऊपर का सरफेस, ठीक है ना, इन ए ड्रम, ड्रम मतलब जो ड्रम में आपने भरा है इज एच, कितना हाई पर है एच, देन द वेलोसिटी विथ विच, किस वेलोसिटी से लिक्विड क्या होगा इमर्ज, इमर्ज मतलब बाहर निकलता है किस से, होल से, वो वेलोसिटी कितना आता है टू जी एच। इस बार से आपने स्टेटमेंट बना दिया, पहले प्रूफ किया और इसी को क्या बना दिया स्टेटमेंट बना दिया, क्या स्टेटमेंट बना, इस थ्योरम के अनुसार स्टेट इफ द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द होल एंड अपर लिक्विड, होल और अपर लिक्विड के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है एच का है। उन्होंने क्या बोला कि द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा होल से, उस वेलोसिटी का मान कितना होगा टू जी एच। इसी बात को हम लोगों ने प्रूफ किया, पहले पॉइंट का टोटल एनर्जी तीन गुना एनर्जी होता है, प्रेशर को पीए मान लो एटमॉस्फेरिक, दूसरा रोजी एच माने क्योंकि रोजी एच नाम पर एच था, तो मैंने रोजी एच प्रेशर एनर्जी के बाद हमारे पास क्या था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक जीरो हो गया, क्यों क्योंकि वेलोसिटी क्या था अपर पॉइंट जीरो, लेकिन लोग आप इस तीनों एनर्जी को मैंने यहाँ लिख दिया, लोअर पॉइंट में क्या था कि हाइट जीरो था लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं था, फिर इस दोनों को यहाँ लिख दिया, आप इसको और इसको दोनों को बराबर किया, पीए से पीए कट गया रो से रो कट गया, टू को इधर भेज दिया तो क्या आ गया टू जी एच स्क्वायर, तो क्या लगता है एकदम सिंपल सर, ठीक है। तो आप लोग काम करें पहले इसको नोट कीजिए, हम लोग इसको और हाँ, तो अभी हम लोगों ने जो स्पीड निकाला है v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, इसको हम लोग इफ्लक्स, इफ्लक्स स्पीड भी कहते हैं, कौन सा स्पीड कहते हैं, तो कोई पूछेगा इफ्लक्स स्पीड की वैल्यू कितनी होती है तो क्या बोलिएगा v बराबर रूट अंडर 2gh, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर
हमें अगर लेना है हॉरिजॉन्टल केस, कौन सा केस? ये जो हॉरिजॉन्टल केस मतलब एक ऐसा केस आ जाएगा जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वाकई में पढ़ने का मजा भी कम है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह का नॉलेज मिले, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, मान लेता हूं कि यहां पर एक ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है, हाँ ड्रम है। अब इस ड्रम में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, पूरा लिक्विड पैक है, ठीक है, पूरा लिक्विड पैक है, ठीक है। और हमें क्या कहा है कि इस ड्रम का हमने एच हाइट पर, कितना हाइट पर, अब ये एच हाइट पूरा जमीन से नहीं है, एच हाइट यहां से, इस हाइट पर हमने क्या किया है, एक छोटा सा होल ऐसे बना दिया, ठीक है। अब तुमने जैसे होल बनाया है तो ये गिरना चालू करेगा, आपको पता है ये बाहर निकलेगा, आप किस स्पीड से, रिफ्लेक्स स्पीड से, और इसकी स्पीड कितनी है, रूट टू जी एच, एच यहां पर यही है, इस स्पीड से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ये सीधा चला जाता। और आपको ध्यान रखिए कि दुनिया में ग्रेविटी नाम का एक चीज होता है और न्यूटन सबको कहां लगा रहता है, नीचे, ठीक है, अरे इसके बारे में, ठीक है, तो सबको कहां लगा रहा गया, नीचे, क्योंकि जब नीचे आएगा तो कौन से मोशन में आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आप देखिए इसकी रेंज कितनी है, तो आपको यही पता करना है कि जब इस पानी को ऐसे हमने होल किया तो कितना दूर तक ये जाकर क्या होगा, गिरेगा। और इस हाइट को मान लेते हैं एच डैश या बड़ा वाला एच, मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, एच डैश या बड़ा वाला एच, कुछ ही मान लेंगे। यहां पर हमको निकालना है रेंज, क्या निकालना है, क्या निकालना है, अगर हम लोगों ने ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, ठीक है ना, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में काम नहीं करती। तो आपको पता है ना वी एक्स बराबर, ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स बराबर यू एक्स, वी एक्स का स्क्वायर, यू एक्स का प्लस टू ए एस, एस की जगह यहाँ पर ये लिख देती, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, शुरुआती वेलोसिटी निकालना, अंतिम वेलोसिटी निकालना, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इससे अच्छा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, इसको ना लगा कर ये लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। वो वाला किसने नहीं लगाया, क्योंकि हमको इनिशियल और फाइनल ढूंढना पड़ता, इनिशियल का पता और फाइनल पता नहीं था। तो हमने यहाँ पर एस की जगह लिख सकते हैं, एस की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ रेंज, रेंज को क्या बोलेंगे, आर, कितना दूर जाकर गिरेगा। अच्छा, तो हम लोग सारा बात हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो भी कौन सा एक्सिस का होगा, एक्स एक्सिस का, टाइम का कोई एक्सिस होता ही नहीं, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कुछ भी है नहीं, बल्कि क्या है, जीरो, क्योंकि सारा का सारा एक्सेलरेशन कौन सा एक्सिस में है, वाई में है, वर्टिकल में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नहीं है, ठीक है। स्क्वायर बताइए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा यू एक्स, ux का मान कितना है, क्योंकि ये x दिशा की वेलोसिटी है, 2gh गुने टाइम t प्लस बाकी जो जितनी भी चीजें हैं सभी जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जीरो है, एक्सेलरेशन ही क्या है, जीरो। बताइए रेंज का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर 2gh गुने t, आप यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम अभी भी अनमोल है, टाइम हमको पता नहीं है, तो हमने एक्स एक्सिस लगा लिया है, अब हम लगाएंगे वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन दो एक्सिस में होता है, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, एक्स में निकाल लिया, वाई के लिए चेक करें। तो आप एक बात बताइए, वाई के लिए अगर हम चेक करेंगे तो क्या करें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो एस की जगह क्या लिखेंगे, देखिए वर्टिकल, वर्टिकल में ये दूरी कितना है, H dash, अच्छा ये जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में। इस जगह स्पीड कहाँ है, शुरुआती स्पीड जो ये है वो सारा का सारा का हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में जीरो है। देखो ये स्पीड हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल का नहीं है, वर्टिकल में स्पीड क्या है, जीरो। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो वी वाई स्क्वायर टू जीरो इस पोजिशन का, थोड़ा और आगे आगे तो होगा लेकिन इस पोजिशन का क्या है बाबू, जीरो। तो शुरुआती स्पीड क्या है, यू वाई टाइम टी प्लस हाफ एक ही जगह हम क्या लिखेंगे जी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो था क्योंकि एक्स एक्सिस को कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन वाई एक्सिस को एक्सेलरेशन है, कितना है, ठीक
ठीक है ना। अब आपका टाइम लिखेंगे टी का स्क्वायर, टाइम तो सबका सेम ही रहेगा, टाइम का तो कंपोनेंट होता नहीं, तो एच डैश ये जीरो गुने टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये आप क्या लिखेंगे एच डैश बराबर जी टी का स्क्वायर। तो बताइए हम टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टू को इधर भेज दे तो टी स्क्वायर लिख सकते हैं टू एच डैश बट्टा जी स्क्वायर आएगा, तो क्या चला देंगे आप इस टी का मान क्या रखेंगे ताकि हमारा डेट निकल जाए। तो अगर आप इस टी का मान रखिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर बराबर क्या निकालेंगे रूट अंडर टू जी एच गुने टी। आप देखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर टू जी एच और गुने टी की जगह बोलिए तो टू एच डैश बटा जी, तो बताइए जी से जी कट जाएगा बिल्कुल, यहाँ से क्या हो जाएगा आर बराबर एक दो दो चार हो जाएगा फोर एच एच डैश। तो इसी को हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या आर बराबर चार है तो दो बाहर हो जाएगा टू इंटू रूट अंडर एच इंटू एच डैश। तो अगर आपको रेंज निकालने के लिए बोलेगा तो टू लिख दीजिएगा और इस साइड को इस साइड को मल्टीप्लाई कीजिए रूट के अंदर निकल गया आपका रेंज, ठीक है। तो ये तरीका था रेंज, आप जरूरी की रेंज पूछे मतलब हाइट पूछ सकते हैं टाइम पूछ सकते हैं, तो किसी भी तरीके से देखिए जो बच्चे जेल में सवाल को पढ़ रहे होंगे नीट को पढ़ रहे होंगे तो आप एक बार नोटिस कीजिएगा ये कोई नया चीज नहीं था, आपको बस नया चीज ये था। बाकी सर तो आपको प्रोजेक्ट एडमिशन कितनी बार आपने करवाया था हम जानते हैं, फर्स्ट ग्रुप में रुकने का मन नहीं करता बच्चों का क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में न्यूमेरिकल होता है थोड़ा मजा नहीं आता, सेकेंड ग्रुप में सब स्पीड भी भागना चाहता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत समय दिया है तो आपको पता है कि हमने कैसे इंक्लाइन होरिजेंटल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का पूरा खेल चला था, मतलब कि उसमें मानिए तो 50 पन्ना प्लस हम लोगों ने उसको शायद हाँ लेकर हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा थ्योरी थी। तो खैर वहां से इंस्पायर होकर ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में और यहां से मैंने किसका मान निकाल लिया रेंज, ठीक है। तो चलिए अब एक बात जरा सोचिए, अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल प्लीज। हाँ सर रिक्वेस्ट है वीडियो बंद करके भागिए मत, ठीक है, न्यूमेरिकल का नाम सुने नहीं अब हो गया बस थ्योरी पर ले चले। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप जो लोग न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाते या फिर क्वालिटी वाले न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाते उनको आप पावर दे दीजिएगा एक्सिस दे दीजिएगा आइए और आपको बर्बाद कीजिए, हम नहीं चाहते न्यूमेरिकल पढ़ें प्लीज। आप सभी लोग सुनिए कि आप सभी लोग बढ़िया से न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए इंस्पायर होइए पढ़िए ताकि लोगों के अंदर भी जरूर है कि भैया न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए यहाँ बच्चा एक्टिव है। यहाँ पर क्या कहते हैं पता है कि न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए बच्चे एक्टिव नहीं, नहीं बच्चा एक्टिव है तो आपको दिखाना भी तो पड़ेगा, आपको आए चाहिए कम से कम रुके रहिए प्लीज, है ना, सब रुके रहिए न्यूमेरिकल पढ़ा। अब न्यूमेरिकल पढ़ा तो रहे तो किस लेवल का, तो देखिए ये सिंपल लिखा सवाल लेकिन हमको ये मजा नहीं आया, सवाल बहुत आसान सवाल है हमको मन नहीं करेगा, पहले आपको खुद सारा अटेम्प्ट कीजिए तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके क्या बात करते हैं सर ओके सर करेंगे बना करेंगे थोड़ा सा रूप बना लेंगे ठीक है। अब उठिए जरा सर बहुत ही सिंपल से ए सिलेंडर ऑफ हाइट उसकी हाइट दी गई है कितनी 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका सॉल्यूशन देखिए एच दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर तो चेंज कर लोगे कितना 20 बट्टा 100 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर से आप 100 करना पड़ेगा ना तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा वाटर उसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, यही ना कह रहा है, और वाटर मीटर पर सेकंड में निकालना है और वह स्मॉल होल से निकल रहा है साइड वाल से और जो कि एकदम सिलेंडर के बॉटम पर है, बॉटम मतलब नीचे, तो वही वाली बात होगी भाई रिफ्लेक्स वेलोसिटी वाला, ये वाला यहां से बाहर निकल रहा है। आपको बता रहे जी का फॉर्मूला क्या निकल रहा है रूट अंडर टू जी एच, अब टू गुने दस एच का वाली यहां दिया हुआ है 0.2 रूट अंडर दशमलव बटाई का 3000 चार बाहर निकालेंगे 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब गलती हुआ है क्या 2 गुने 10 एच का मान ठीक है 0.2 0.2 को 10 से 4 तो 4 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये आपकी वैल्यू है। फिर ये मैथ को नहीं करना एक मिनट रुक जाइए हम देखेंगे इसके ये मैथ के लिए अच्छा एक यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हुई रुक जाइए ये सवाल सही बना है नहीं रुक जाइए ये सवाल सही बना है इसमें ना सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया जबकि हो गया ये मीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सवाल सही बना हुआ खाली सेंटीमीटर की जगह मीटर तो हमारे उसको नहीं चेंज कीजिएगा ये भी एक तरह की बात है गलती में आपको सही ढूंढना पड़ेगा प्रोसेस सही है आपको यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर का मीटर का
तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको आराम से रख दीजिए 20 मीटर। कितना 20? तो 20 मीटर हम जान के चाहते तो हटा भी सकते, लेकिन नहीं, रुक जाइए। 20 मीटर तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 20 तो कितना हो जाएगा 400। 400 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। तो हम लोग देखिए गलत से इम्पोर्टेंट नहीं था, हम लोगों ने प्रोसेस सही किया। अब डेटा गलत दिखाया गया तो उसको आप सही कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। पर ये सवाल आपको सही लगा बताइए, ये सवाल आपको लगा कि लेवल का है? बिल्कुल नहीं, हमने जानबूझ के दिया कि पुटिंग शूटिंग सवाल कर करके कब तक आपका काम चल सकता है बताइए। अब ये ट्रिपल ही क्या सब घूम रहा है क्या, बिना जेमेस का सवाल एकदम जेमेस का बुरा एकदम देंगे सब कुछ एकदम, ऐसा नहीं है, बहुत से सवाल हल्का भी होता है। ठीक है, तो आपका अवेयरनेस जितना आप अवेयर रहिएगा, जितना आप कोशिश कीजिएगा कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना टीचर आपको न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, तो हमने तो इस तरह की न्यूमेरिकल भी देखी है, पर हमारा फेवरेट न्यूमेरिकल अब आया। ठीक है ना, तो आप लोग पीछे पर नोट कीजिए ताकि फेवरेट न्यूमेरिकल आपको दे और बताने की कोशिश करते हैं। जेई मेंस का नीट वाले प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर है ही नहीं, क्या करें बताइए, आप लोग जेई मेंस से ही काम चलाइए। ठीक है ना, चलिए हाँ, तो चलिए बच्चों, ये एक सवाल है JEE 2019 का। ये सवाल बढ़िया, ज्यादा बहुत बढ़िया तो नहीं है, इसमें और सवाल सभी, लेकिन ये इतना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चोरी हमको लगा हल्का सा है ना, तो आप इसको देखिए। इस सवाल को क्या सवाल है, JEE 2019 का सवाल लेटेस्ट है, आपको मजा आएगा बताने में। ठीक है, देखो इस मतलब मच्छर पीछे चल रहा है, देखो ध्यान, टॉप ऑफ द वर्ल्ड टैंक इज ओपन टू एयर, एक एयर तरीके से खुला हुआ है तो बाकी सब ये टॉर्सल लग जाएगा। कैसा को पता है, ऊपर खुला हुआ था तो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बिल्कुल बदल जा रहा है। मेंटेन इफ द गिविंग आउट उसका जो है क्या दिया हुआ है 0.74 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या किया हुआ है, ये मेंटेन किया हुआ है कितना पर मिनट, मतलब इतना वॉल्यूम पर मिनट। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं आपको वी बट्टा टी का मान कितना दे देगा 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, देखिए ना मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब होता है मिनट टाइम, वी बटा टी का मान दे दिया। और आपका शायद नहीं ध्यान हो वी बटा क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, वी बटा टी को सोचिए सोचिए, कल के क्लास में चलिए तो याद आया कुछ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से पहले पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो, याद आया रेट ऑफ फ्लो, बिल्कुल क्यों सामने होते तो हम लोग छोड़ दिए होते, जब तक काम करें अपने चाटी मार लीजिए, सब लोग पढ़ लीजिए हो गया। हाँ ठीक, तो चलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा वी बट्टा टी। अब एक बात बताओ, तो क्यू का मान हम लोगों ने इतना देख रहा है क्वेश्चन में, अब क्या है थ्रू आउट सर्कुलर ओपनिंग उसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब जहां से उसको हम होल किए हैं उसका एरिया सर्कुलर है, तो सर्कुलर का रेडियस कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है वाल द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना डेप्थ पर, मतलब एच का मान कितना है, आपसे किसका मान पूछ रहा है एच का मान, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले ये बताइए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, कि फ्लैक्स वेलोसिटी बराबर 2gh, कैसे पता कर लिए भाई एच पूछ रहा है, जी दिया हुआ है, टैंक दिया हुआ है, ये टैंक का पिक्चर हो गया, अब टैंक में से क्या हो रहा है यहाँ पे खुला हुआ टैंक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो और क्या बच जाता है हमारे पास ऑप्शन, यही तो बच जाता है हमारे पास बताया गया, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन अच्छे से नहीं है। तो हम लोग काम करेंगे जैसे से, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, तो वी की वैल्यू आ गई, अब क्यू की वैल्यू आ गई, हम लोगों ने कल के क्लास में आपको बताया था, शायद आपको ध्यान नहीं दिया होगा, क्यू बराबर आपको याद होगा ए इंटू वी, याद आया कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया गुने उसकी वेलोसिटी, कल वाली क्लास चाहे तो आप खोल के देख सकते हो, क्यू बराबर ए इंटू बी, प्रूफ भी किए थे है ना। तो यहाँ पर एक बात बताइए क्यू बराबर तो बी बटा टी, तो सबसे पहले इससे पहले आगे बढ़े और मात्रा अपना खराब करे, ठीक है, सबसे पहले मात्रा देखो क्या इसका मात्रा ठीक है नहीं, क्योंकि आपको जो भी मान निकल रहा होगा मीटर पर सेकेंड में, देखो ना सारा ऐसे मात्रा आपसे मान कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसको लिख सकते हैं 0.74 मीटर क्यूब और बट्टा मिनट को चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ये जैसा मान निकल गया, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 2
गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि 100 से भाग दीजिएगा मीटर में चेंज करने के लिए, 100 ऊपर आएगा क्या बन जाएगा माइनस 2। अच्छा h का मान निकालना। तो अब एक बात बताइए, आपको पता है ना q बराबर क्या होता है a, तो q का मान कितना दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, तो q बराबर a b। तो एक बात बताइए q ए, अब आपको अभी बोला है कि सर्कुलर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए सर्कुलर, तो सर्कुलर का एरिया कितना होगा जहां से वो बाहर निकल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकलने का पाई आर स्क्वायर और इनटू क्या लिखेंगे भी, तो बताइए तो भी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बट्टा पाई आर का स्क्वायर, यह हमारा भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वेलोसिटी यहां से आया और एक इफ्लक्स वेलोसिटी तो हम जानते ही है कितना होता है रूट टू जी एच। पे बात बताइए ये वेलोसिटी हमने यहां से निकाला क्यू बराबर ए बी, क्रॉस सेक्शन एरिया गुणे वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया को भाग में भेज दिया तो वेलोसिटी बराबर क्या आ गया क्यू बट्टा ए आर स्क्वायर। अभी बात बताइए तो यहां से इस वेलोसिटी को समीकरण पहला समीकरण दूसरा फला बराबर चिन्ह और फला बराबर ढीला, तो चिन्ह बराबर ढीला एकदम सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या करेंगे रूट अंडर टू जी एच बराबर क्यू बट्टा पाई आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग हटाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बट्टा पाई के स्क्वायर आर के पावर फोर, ठीक। तो अब यहां से एच बराबर क्या लिखेंगे क्यू का स्क्वायर पाई के स्क्वायर आर के पावर फोर गुने वन बट्टा टू जी हो जाएगा। अब ये बात करते हैं एच बराबर क्यू की वैल्यू दी गई है 0.74 बट्टा 16 होल स्क्वायर, सारा का मात्रक पहले ही चेंज कर चुके हैं, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 का स्क्वायर, रेडियस तो रेडियस का मान आपको पता है 2 गुने 10 टू दी पावर माइनस 2 के पावर 4 गुने 1 बट्टा 2 और जी का मान 10, ठीक है। तो आप सबको कैलकुलेटर करके देख लीजिए अप्रोक्सीमेट, हमको जहां तक लगता है ये अप्रोक्सीमेट करके देखिएगा 4.8 मीटर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट काट के देख लीजिए, ठीक है ना। अब इतना तो कर ही सकते हो ना, ये भी हम करके देंगे, ठीक है, चलिए ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीजों का इस्तेमाल किया, एक तो फ्लक्स वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को रिलेट इससे हमने कर दिया है क्यू बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया गुणे वेलोसिटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है ना। तो वहां से हमने निकाला यहाँ से एक वेलोसिटी यहाँ दूसरी वेलोसिटी बराबर के एच का मान निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर जेई मेंस में जो सवाल है, ठीक है ना, वो सवाल हमारे पास है, मैं जरा से यहाँ से लिख देता हूँ, सवाल बना के लेगा, उम्मीद है मैं पूरी गारंटी होगी कि आपने जिस तरह की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है जेई मेंस की बुक्स पे आज से नहीं बहुत पहले से सालों पहले से, ठीक है ना, क्योंकि आज सीतामढ़ी में जेई मेंस आपको अच्छे से पता है कि हजारों हजारों बुक की कॉपी हम लोगों ने अपनी क्लास से भिजवा दी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने लिया है और आपका मेहनत आपको झलके है, अब बना कर देखिएगा 20 के बाद हम लोग यहाँ पर 21 आप लोग कौन कौन सा सवाल बना लीजिएगा, तो 20 21 कौन कौन सा सवाल आपको बना लीजिएगा 20 और 21 और 21 के बाद अब 26 जो जो आपको बोल रहा हूँ प्योर बना के एकदम बेहतरीन सवाल है और मुझे पूरा गारंटी है कि आप लोग उसको पक्का बनाएंगे किसी भी हालत में बनाएंगे 49, ठीक 49 के बाद एकदम हल्का हल्का सवाल सा है आप इसको बनाएंगे, मैं आपको 2 मिनट हमको समय दीजिए, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है ना 72, ठीक है। और एक तो आप लोग खुद से देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, या आपको जेई मेंस की बुक मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा होता है देखा होगा तो लिख कर देखा कभी ऐसा नहीं तो देख लो इसने बुक है इसी में से, ठीक है, भाड़ा से बोलता है खरीदने के लिए बोलते हैं खरीदाता नहीं तो बोलते कहाँ से, ठीक है इसको बना लीजिए, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर हो चुका है द, ठीक है। तो आपका काम है इसको बनाना है, मेरे को बनाना है, हमने जो पीडीएफ दिया है ना वो उसका हम सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको वीडियो अपलोड कर देंगे सारा सॉल्यूशन का, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप तब तक अभी इसको लिख लीजिए, ठीक है। और हम लोग एक संदेश के साथ आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नया लेक्चर के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आप लोग स्वस्थ रहिए बेहतरीन रहिए और सुरक्षित रहिए, और कोई बात नहीं है डरने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, ठीक है। जो आपसे कहा जाता है सरकार जो भी नॉर्म्स लाती है उसका पालन कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठो पढ़ाई करो खाना पीना खाओ काम ही क्या है, ठीक है, सिर्फ बाहर मत जाओ, ठीक है, बाकी तो मोबाइल है आपके पास, चलिए ठीक है।